यदि आप एनसीईआरटी बुक एक ही एप्लीकेशन में पाना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं रवि टेक टू। भाई आज के इस वीडियो में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में कि जो जिस एप्लीकेशन में सारे एनसीईआरटी बुक जो हैं आपको अवेलेबल मिलेंगे, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में और वो भी कलरफुल। सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग यदि एनसीईआरटी बुक की पीडीएफ डाउनलोड करेंगे किसी साइट से जाकर के या एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से, तो अलग अलग बुक के लिए अलग अलग पीडीएफ आपको हो जाएंगे जो कि काफी हद तक ज्यादा हो जाते हैं और उसको जो है आपको फाइल में रखने पड़ते हैं मोबाइल के एसडी कार्ड या इसमें। अगर ऐप की एप्लीकेशन अगर हो जाए यहीं पे और सारे बुक एक ही एप्लीकेशन में हो जाए तो काफी हद तक अच्छा होता है। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे जो कि आपके सारे एनसीईआरटी बुक जो है, यदि आप सीटेट या टेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको एनसीईआरटी बुक काफी हद तक मदद करती है। तो उसके लिए है, तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं एप्लीकेशन से रिलेटेड और टेक कैटेगरी के चैनल है तो हम लोग इस पे भी चर्चा करते हैं। और आज संडे है तो सोचा कि मेरे पास उतना ज्यादा कोई टॉपिक नहीं, तो सोच रहा हूँ मैं संडे के संडे मैं इस पे कुछ इसी तरह का अलग करने के लिए। तो यही है, तो चलिए सबसे पहले आपको वो एप्लीकेशन दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्च करना है ई पाठ शाला। तो देखेंगे आप ऊपर ई पाठ ही लिखेंगे तो आ गया, ये ई पाठशाला एप्लीकेशन है। जैसे कि आप इसको ओपन करेंगे तो मैं इसको पहले से ही डाउनलोड करके रखा है अपने फ़ोन में मैंने इसे, तो मैं इसे सिंपली ओपन कर लूँगा। यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन के बारे में मोर डिटेल्स से ले सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये है। तो आपको इसका 4.4 जो है का रेटिंग्स है, वेरी इस पे यहाँ पे यूज़फुल और इजी टू यूज़ ये सब करके रेटिंग्स दिए गए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं ओपन करता हूँ, आप डाउनलोड कर लेंगे या तो जैसे कि देखेंगे आपको यहाँ सबसे पहले मिल जाता है भाषा सिलेक्ट करने के लिए, आई मीन बोले तो लैंग्वेज, आप हिंदी इंग्लिश और जो है यहाँ पे उर्दू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे हिंदी में चाहिए तो हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप छात्र हैं, शिक्षक हैं या शिक्षाविदिक या अभिभावक हैं, तो मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना नाम या विद्यालय का नाम भी टाइप कर सकते हैं, PRSSCOOL, और यहाँ से सिंपली हो जाएंगे इंटर, तो यहाँ पे हो गया। और यहाँ से जो है आपको यहाँ ऑडियो वीडियो और ई पुस्तक, तो ई पुस्तक की बात करें तो शायद पीडीएफ ही हैं, हाँ। तो यहाँ पे आपको जो है लेवल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लें आप। सॉरी मैं मॉर्निंग में अभी सो के जग रहा हूँ तो इसलिए मेरा साउंड जो है भारी है थोड़ा सा आवाज़। तो चलिए यहाँ से ओपन करेंगे, आप देख लेंगे यहाँ पे कक्षा एक से लेकर के आपको कक्षा 12 तक की सारी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन हमको चाहिए 1 to 5 के लिए, तो प्राइमरी स्कूल के लिए आप ले सकते हैं यहाँ 1 to 12, तो मुझे चाहिए 8 की, तो 8 के लिए ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप फिर से हिंदी और इंग्लिश ये सब कर सकते हैं, तो इंग्लिश की PDF मुझे चाहिए, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी चैप्टर वाइज ये सारी PDFs हैं, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी अध्याय को भी सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसे सिंपली आराम से ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सारी पुस्तकें जो कि आपकी बुक डाउनलोड होंगे वो दिखाई देंगे। तो ये था वीडियो, तो ये था एप्लीकेशन जैसे कि आपने देख चुका है। तो कैसा था एप्लीकेशन, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट से। था तब तक के लिए बाय।